स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। आज हम लेके आए हैं क्लास सेवन वेस्ट बंगाल बोर्ड मॉडल एक्टिविटी हिस्ट्री के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के हिस्ट्री के प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न क्या है, सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कम हो गया। इस विषय पे दो या तीन पंक्ति लिखना है या लाइन लिखना है। ठीक है, सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार कम क्यों हो गया? इसका कारण ये रहा कि जो सेन लोग थे मुख्य रूप से क्या थे, ब्राह्मण थे, वंशानुगत ब्राह्मण थे। बाद में वो क्षत्रिय बन गए, लेकिन वो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे समाज में, और वो ब्राह्मण धर्म को ही प्रतिष्ठित रखना चाहते थे। इसीलिए कारण बना, यही कारण बना जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कम हो गया। तो क्या लिखेंगे, सेन शासकों का जन्म स्थान दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र अर्थात महीसूर एवं उनके आसपास का क्षेत्र था। वंशानुगत वह पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय हो गए। सेन समाज सुधार में परिवर्तन के विरोधी थे, खासकर बलाल सेन, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, सेन समाज सुधार में परिवर्तन के विरोधी थे तथा उन्होंने कट्टर ब्राह्मण आचार आचरण की प्रतिष्ठा की। यही कारण बना, इस कारण सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, प्राचीन बंगाल में जिस अंचल और नदी का नाम द्वितीय अध्याय में आप में पढ़ाया गया था उसकी तालिका तैयार कीजिए। क्या कह रहा है कि पार्ट दो में आप लोगों ने प्राचीन बंगाल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे प्राचीन बंगाल में कौन कौन से अंचल हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनके बारे में वहाँ पढ़ाया गया है, तो उसका एक तालिका तैयार करने के लिए कहा गया। तो अंचल में देखेंगे क्या क्या, कैसे लिखेंगे, प्राचीन बंगाल के अंचल तथा नदियों की तालिका इस प्रकार है, बनाइए। अंचल कौन कौन सा है, पूर्णवर्धन, वरेंद्र, बंग, बंगाल, राजसुरा, गौड़, समतट तथा हरिकेन, ये इसका वर्णन किया गया। नदियां में देखेंगे भागीरथी, पद्मा, गंगा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, मेघना, दामोदर, रूपनारायण, मयूराक्षी, अजय, तीस्ता, कारतुआ, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, यमुना आदि नदियों का वर्णन किया गया कि इसमें प्राचीन बंगाल में। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है, भारत में सामंती व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चित्र में सामंती व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है, दो या तीन पंक्तियों में व्याख्या कीजिए। पंक्ति या लाइन, आपकी मॉडल एक्टिविटी में लाइन लिखी हुई है लेकिन पंक्ति या लाइन एक ही है। क्या कहा गया, सवाल को समझिए। कहा गया कि भारत में सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था किस तरह का रहा, इसका एक चित्र बनाना है, चित्र बना के वर्णन करना। फिर वो चित्र चूंकि एक त्रिभुज आकार का बनता है, पिरामिड आकार का बनता है, तो पिरामिड आकार का क्यों बनता है, इस पे दो या तीन लाइन लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं इसका उत्तर। तीसरा सवाल हमने पढ़ा, देखा क्या था कि भारत में सामंती व्यवस्था का चित्र बनाने के लिए कहा गया और उसके ऊपर दो तीन पंक्तियां, और सामंती व्यवस्था का चित्र या पिरामिड या त्रिभुजा आकार का क्यों होता है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया। तो राजा का देखिए, सामंती व्यवस्था हम इस तरह से दर्शाएंगे, सबसे प्रधान राजा हुआ करता था, उसके नीचे कुछ उच्च वर्ग के लोग महासामंत कहलाते थे, उसके नीचे सामंत और सबसे नीचे प्रजा हुआ करती थी। ठीक है, ये त्रिभुजा आकार का क्यों बन जाता है, क्योंकि ये भाग सबसे चौड़ा है, शासित वर्ग सबसे चौड़ा हुआ करता था, सबसे अधिक हुआ करता था, जिसके कारण ये देख, ठीक है, तो सबसे अधिक प्रजा हुआ करती थी जो शासित वर्ग थी, उससे कम सामंत हुआ करते थे, उससे कम महासामंत, और जो राजा वो एक। तो इस तरह से दर्शाने पे ये पिरामिड आकार का बन जाता है, ये दर्शाने के लिए कि अधिकार कितने के हाथों में था और शासित वर्ग कौन था, इसीलिए पिरामिड तैयार हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, भारत की सामंती व्यवस्था में सबसे प्रधान राजा हुआ करता था, उसके नीचे उच्च वर्ग के महासामंत तथा उसके नीचे मध्यम श्रेणी के शासक वर्ग जिसे सामंत कहा जाता था हुआ करता था, और सबसे नीचे प्रजा हुआ करती थी। इस तरह से राजस्व तथा शासन का अधिकार विभिन्न स्तरों में विभाजित था। ठीक है, अलग अलग स्तर में विभाजित था अधिकार और राजस्व। अब सवाल है कि चित्र ऐसा क्यों बनता है, तो सामंती व्यवस्था का चित्र पिरामिड आकार का होने का कारण यह दर्शाना है कि राजस्व तथा कर देने वाला वर्ग सबसे अधिक हुआ करता था और शासन का अधिकार कुछ वर्गों के हाथ में हुआ करता था। ठीक है, तो ये दर्शाने जब दर्शाया जाता है तो ऐसा चित्र हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और आखिरी सवाल देखेंगे,
चौथा सवाल क्या है, पाल और सेन युग में किस प्रकार की फसल की खेती होती थी, तालिका तैयार कीजिए, और उनमें से किन फसलों की खेती आज भी की जाती है। मतलब पाल और सेन युग में कौन कौन से फसल के व्याख्या किया गया, आप अपने किताब में पढ़े हैं कि कौन कौन सी फसल उस वक्त उगाई जाती थी, उसका एक तालिका तैयार करना है और बताना है कि उनमें से किन किन फसलों की खेती आज भी होती है। तो क्या लिखेंगे आंसर, पाल और सेन युग में खेती की जाने वाली फसल की तालिका क्या है, धान, सरसों, आम, कटहल, केला, अनार, खजूर, नारियल, पान, सुपारी, इलायची, महुआ, बांस आदि है। आगे लिखेंगे, इन सभी फसलों की खेती आज भी की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिस्ट्री के प्रश्नों के उत्तर मॉडल एक्टिविटी के। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।